हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टैरो कंसल्टेंट रिचा और फिर से एक बार लेकर आ गई हूं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस जो कि है 25th of February 2019 से लेकर 3rd of March 2019। आप सोच रहे होंगे कि आज फ्रेम में इतना सारा ऑरेंज कलर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं ऑरेंज कलर के बारे में। ऑरेंज कलर किसका सिंबल होता है? ऑरेंज कलर सिंबल होता है एनर्जी का, एंथुसियाज्म का, एक्टिविटी का, सनशाइन का, हैप्पीनेस का, सेक्सुअलिटी का, फ्रीडम का। आप देखिएगा कभी कि अगर आपका मूड बहुत डल है और आप बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लेंगे तो साथ ही आपका मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर एक्सेसिव ऑफ ऑरेंज कलर हो हमारे चारों तरफ, मान लीजिए मैंने अपनी दीवारें भी ऑरेंज कर दी, पर्दे भी ऑरेंज कर दिए, ऑरेंज कलर के कपड़े भी पहन लिए, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला जाता है। बिकॉज इट इज सच अ वाइब्रेंट कलर दैट एक्सेस ऑफ ऑरेंज कलर कैन टर्न इनटू एम्बियंस, कैन टर्न इनटू फॉल्स प्राइड, आपको घमंड का फीलिंग दे सकता है ऑरेंज कलर। तो देखा आपने, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम अच्छे पहलू को अपने अंदर कैसे इनवाइट करें, अपने साथ लेकर कैसे चले और नेगेटिविटी को किस तरह से पीछे छोड़ें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं वीकली प्रेडिक्शंस राशि के साथ। प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस हफ्ते में आप अपने फाइनेंसेस भी बैलेंस कर पाएंगे। आपको जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी पैसे से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, वो इस हफ्ते में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड यू विल आल्सो सी कि हो सकता है कि कोई सडन इनकम आपको इस हफ्ते में कहीं से आपके पास आ जाए। टॉरस राशि वाले, भाई टॉरस राशि वाले इस हफ्ते में मुझे फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन नजर आ रहे हैं। आप कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे तो प्रोजेक्ट आप फिनिश कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल सकता है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल फील करेंगे आप अपने आप को। स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में इस हफ्ते में। हो सकता है कि कोई मेल आपकी लाइफ में इस हफ्ते में एक प्रोमिनेंट चेंज लाए। चेंज मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही है, तो हो सकता है कि कोई मेल आपकी जिंदगी में पॉजिटिव लाए, चेंज लाए। अगर आप फीमेल हैं तो, अगर आप खुद मेल हैं तो हो सकता है कि आप किसी और की जिंदगी में कोई इफेक्ट या कोई प्रभाव इस तरह का छोड़ जाए जिससे उस पर्सन को काफी फायदा हो या मुनाफा हो या प्रॉफिट हो। आप उन्ही चीजों को याद कर रहे हैं जो एक्चुअली निकल गई हैं आपकी लाइफ से या वापस नहीं आने वाली हैं आप, तो ऐसा मत करिए। साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो इस हफ्ते में आपको अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। अगर आप ज्यादा समय बिताएंगे तो आपको फील होगा, अच्छा फील होगा, आपके बच्चे अच्छा फील करेंगे। हो सकता है आपको अपने बच्चों के बारे में कोई ऐसी बात पता चले जिसपे आपका अटेंशन अभी तक नहीं गया था और अटेंशन जाना जरूरी है। कैंसर राशि, भाई कैंसर राशि वाले इस हफ्ते में बहुत ही आप दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दृढ़ संकल्प कर लिया है आपने किसी चीज को पाने का, हासिल करने का। आप किसी चीज को कंडीशन करना चाह रहे हैं, किसी चीज को ट्रेन करना चाह रहे हैं। कोई एक ऐसी आदत अपनी लाइफ में हो सकता है आप लाने की कोशिश कर रहे हो जो आपको आगे चलकर फायदा दे। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन
इस हफ्ते आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और किस चीज को आगे लेके बढ़ना है अपनी लाइफ में, ताकि आप वो अचीव कर पाए जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। लियो राशि वाले, लियो राशि वाले जो है इस हफ्ते में फुल ऑफ पैशन मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने काम के प्रति। स्पेशली आपको ऐसा लगेगा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे तो आप है ही, आप रहते ही हैं हमेशा, लेकिन कोई ऐसा काम जो आपके हाथ में था जिसे आपको पूरा करना है, तो उसको आप बखूबी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते जाएंगे इस हफ्ते में और उस काम को फिनिश भी कर पाएंगे। अगर आप मेल हैं तो अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन इज कमिंग योर वे। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि इस हफ्ते में कोई मेल आपको हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, आपको स्टेबल करने में मदद करे, आपको वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में मदद करे जिसके लिए जिसको आप ढूंढ रहे हैं। वर्गो राशि, मैं वर्गो राशि वाले मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप ऑलरेडी इतने सीक्रेटिव हैं, लेकिन आपको इस हफ्ते में थोड़ा और ज्यादा सीक्रेटिव होने की जरूरत है। कुछ ऐसी प्लानिंग जो आपके दिमाग में चल रही है आपको उसे लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, एटलीस्ट तब तक तो शेयर मत कीजिए जब तक की वो प्लानिंग पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर देते आप, और मैं तो कहूंगी तब तक शेयर मत कीजिए जब तक की आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता उस प्लानिंग का या उस एग्जीक्यूशन का। बाकी लेडीज, आपके अगर आप मेल हैं तो कोई लेडी आपको हेल्पफुल रहेगी इस हफ्ते में। अगर आप खुद लेडी हैं तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा सीक्रेटिव, पेट में बात रखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लिब्रा राशि वाले भी, अगर आप एक नई जॉब की तलाश में थे, आपने कहीं अप्लाई किया था या आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द वीक जब आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपका मुझे एक नई शुरुआत नजर आ रही है स्पेशली रिलेटेड विद योर करियर। तो अगर कोई भी डिससैटिस्फैक्शन आपको था अपने करियर को लेकर, इस हफ्ते में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। स्कॉर्पियो राशि, तो स्कॉर्पियो राशि वाले इस हफ्ते फुल ऑफ सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स के साथ फीस्टिंग, डिनर पार्टीज, बहुत सारा जैसे मैंने कहा सेलिब्रेशन है, बहुत सारी अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है इस हफ्ते में। स्पेशली अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो इस हफ्ते में आने की उम्मीद है उस गुड न्यूज की। एंजॉय करेंगे, पूरा हफ्ता एंजॉयमेंट में निकलेगा, बस यही कहूंगी कि ज्यादा एंजॉय मत कीजिएगा, एक लिमिट तय करके रखिए अपने लिए कि भाई इस टाइम पे मुझे घर आ जाना है या पार्टी करना बंद कर देना है, इस टाइम पे सुबह उठना है, हेल्प करना करना है या व्हाटएवर, लेकिन मौज मस्ती करते हुए हफ्ता निकल ले पा रहा है आपका। सैजिटेरियंस के लिए हफ्ता मुझे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, अप्स एंड डाउन्स वाला, बहुत ही डल दिखाई दे रहा है, ऐसा आप फील कर सकते हैं इस हफ्ते में कि किसी अपने ने आपको चीट किया है, आपकी पीठ में जुड़ा घूमा है, या आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन थी और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया, आप ऐसा फील कर सकते हैं। कोई भी काम जिसे आप अंजाम देना चाह रहे थे, जिसे फिनिश करना चाह रहे थे, वो काम नहीं फिनिश होगा, आप अटका हुआ से महसूस कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि सब गड़बड़ हो गया है, जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये वाली फीलिंग मुझे इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई दे रही है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कुछ आपको समझ में ना आए लाइफ में तो स्टॉप हो जाएगी, एक स्टेप बैक ले लीजिए और फिर सिचुएशन को देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप सिचुएशन देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसका सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू नीड टू वर्क आउट थिंग्स विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। केप्रिकॉर्न राशि वाले, भी केप्रिकॉर्न राशि वाले इस हफ्ते में जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे उस काम में आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं बहुत अच्छा समय है, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जंप इन करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मैजिकल पावर्स, मैजिकल एटीट्यूड आपके आसपास रहने वाला है इस हफ्ते में, आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपको अभी आगे और उससे भी आगे अच्छे रिजल्ट्स देगा।
Aquarius. Aquarius राशि वाले जो है वे आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहां से आपको निकलना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन मैं बता दूं कि अब ये जो हफ्ता है, ये जो आने वाला समय है, वो ऐसा है जब आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भी जिंदगी थोड़ी सी डाउन जा रही थी और अब कुछ अच्छा अच्छा लाइफ में होने लगा है, अब थोड़ी सी जिंदगी डिफरेंट डायरेक्शन में, सनलाइट की डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रही है, ऐसा आप फील करेंगे, which is a very good thing। क्योंकि देखिए, ups and downs is a part and parcel of life। कभी दुख है, कभी सुख है। मैं हमेशा कहती हूँ, पीसफुल रहिए, काम रहिए, ना खुशी में ज्यादा खुश होइए, ना दुख में ज्यादा दुखी होइए, और देखिए आपका समय कितना अच्छा बीत जाएगा। पाइसिन राशि, वे पाइसिन राशि वाले स्पेशली वुमेन हैं अगर आप, तो आपके लिए ये हफ्ता वंडरफुल रहने वाला है। आप बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में फील करेंगे अपने आप को, लोग आपसे सलाहें लेने आएंगे, एडवाइस मांगने आएंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको आइडियलाइज कर सकते हैं इस हफ्ते में किसी काम की वजह से, और आप अपने आप को बहुत ही सैटिस्फाइड फील करेंगे कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव कर लिया, मेरे को मेहनत का फल मिल गया, ऐसा आप फील करेंगे। अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपकी लाइफ का डायरेक्शन जो है चेंज कर सकती है इस हफ्ते में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फुल ऑफ क्रिएटिविटी है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म एनर्जी है ये वाला हफ्ता आपके लिए। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू क्रिएटिव एंड अमेजिंग, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। ये है इस हफ्ते का राशिफल। अगर आप उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं फॉर मेडिटेशन, रेकी, टैरो कार्ड रीडिंग और क्रिस्टल्स, देन यू कैन विजिट मी ऑन माय वेबसाइट, बुक एन अपॉइंटमेंट हियर, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये मेरा मेल आईडी है। वेडनेसडे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बट कीप वॉचिंग टैरो योगी।